ओके सो ब्लड थायमस बैरियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट UQ, ठीक है। थायमस क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी में? थायमस एक ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पर टी सेल्स की क्या होती है, मैचुरेशन एजुकेशन होती है, ठीक है। टी सेल्स की जो स्टेम सेल्स जब बोन मैरो में बनते हैं ना, तो वो एफरेंट लिम्फैटिक्स के थ्रू आते हैं थायमस में। थायमस का एक आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन होता है मेड्यूला। अब इसके स्ट्रक्चर में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, इसका जो इंपॉर्टेंट UQ है वो है ब्लड थायमस बैरियर, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्लड थायमस बैरियर बेसिकली क्या है कि हमारी हर बॉडी का जो ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू कैपिलरीज एंड थ्रू आर्टरीज, ठीक है। तो जो थायमस है ना, उसके अंदर मैंने बताया कि टी सेल्स की एजुकेशन होती है, ठीक है, और थायमस को ब्लड भी तो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड जो सप्लाई हो रहा है और ये थायमस, इन दोनों के दरमियान में एक बैरियर होता है, ठीक है। और इस बैरियर का पर्पस ये होता है कि चूंकि यहाँ पर टी सेल्स की एजुकेशन हो रही है, तो जो ब्लड के अंदर जो एंटीजन्स वगैरह है ना, वो उसको थायमस में जाने से प्रिवेंट करता है ताकि एजुकेशन में इंटरप्शन ना आए, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब देखो, ये कैपिलरी है ना, कैपिलरी की आउटर वॉल क्या होती है, एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है ना, ये क्या है, ऑक्लूडिंग जंक्शंस। ये यहाँ पर जो एंटीजन है उनको वहाँ जाने से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ऑक्लूडिंग जंक्शंस इम्परमिएबल होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास, ये एक किस्म का ब्लैंकेट है, ठीक है, जो कि एंटीजन को वहाँ जाने नहीं देगा। सेकेंड जो है वो बेसल लैमिना है, ये भी कैपिलरीज के बाहर होती है, बेसल लैमिना ब्लू कलर में, ये थिक होती है। सो हमारे पास आ गए एंडोथेलियल सेल्स विच हैव ऑक्लूडिंग जंक्शंस और थिक बेसल लैमिना, ये नंबर वन लेयर होगी। सेकेंड लेयर होती है, अच्छा, जो थायमस है उसके अंदर थायमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो यहाँ पर फ्लैटेंड सेल्स की एक शीट सी बना देते हैं, और उन फ्लैटेंड सेल्स के दरमियान में भी ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड एक लेयर आ गई, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप वन थायमिक एपिथेलियल सेल्स एंड दे हैव ऑक्लूडिंग जंक्शंस। और थर्ड जो है वो यहाँ पर जितने भी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं ना, वो उन एंटीजन्स को फेगोसाइटोज कर देते हैं जिनको यहाँ पर जाने का खतरा हो, ठीक है। यानी कि एंटीजन्स को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं मैक्रोफेजेस भी, और वो थर्ड एक फैक्टर है। तो जस्ट रिमेंबर।